ये है माइनक्राफ्ट 400 डेज बट एज अ शेप शिफ्टर। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा उस धोखेबाज घंटा का माथा राका को हराने के बाद उस पेडिस्टल को छूने का धुआं जाने में कौन से जगह पर आ गया। शुरू शुरू में तो मुझे ये नेदर लग रहा था, लेकिन बाद में जाकर के मुझे पता चला ये ओवरवर्ल्ड था। ये है ऑग डिजास्टर। सबसे पहले इसने नेदर पे अपना कब्जा जमाया और आधे ओवरवर्ल्ड को नेदर बना चुका है और पूरे ओवरवर्ल्ड को नेदर बनाकर यहाँ पे कब्जा जमाना चाहता है। तो कुछ भी हो जाए मुझे तो इसे रोकना ही होगा, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अब जबकि मेरा शेप शिफ्टिंग वाला शरीर टूट चुका है तो इस ऑग डिजास्टर के 3 कस्टम बॉसेस को हरा कर उनके ड्रॉप से मुझे नया शेप शिफ्टिंग वाला छरी बनाना पड़ेगा। और जब तक ये शेप शिफ्टिंग वाला छरी नहीं बनेगा तब तक मैं रोजाना वापस से रैंडमली कोई से भी मॉब में बदल जाऊंगा। पहले ही बता रहा हूं एक से एक नमूने होने वाले हैं इस बार। और एंड में वापस से कुछ ऐसा होता है जो आपने और मैंने तो क्या रामू काका ने भी नहीं सोचा होगा। तो क्या लगता है क्या मैं शेप शिफ्टिंग वाला छरी बनाकर ऑग डिजास्टर का रोक पाऊंगा? एंड तक देखो पता चल जाएगा। तो एंजॉय द वीडियो। क्या क्या ना करता रहता हूँ। किसने बोला था उस पेडिस्टल को छूने के लिए? इस बार तो मरा ही मरा मैं, जिंदा हूँ मैं, लेकिन अब ये कौन सा जगह पर आ गया? देखने से तो नीदर लग रहा है, लेकिन नीदर में सूरज, लेकिन उससे पहले बेरी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ओए ये क्या है, चींटी? कोई ढंग का शेप शिफ्टर नहीं दे सकते थे ये लोग? अब यहाँ पे आते ही मुझे झटके पे झटके मिलना चालू हो गया था। सबसे पहले तो बेरी पता नहीं मेरे साथ यहाँ पे कैसे आ गया था। अगर आप लोग को याद हो तो इसे मैंने पिछली वीडियो में बचाया था और आप लोगों से मैंने इसका नाम पूछा था और आप लोगों ने एक से एक नाम सजेस्ट किए थे, उनमें से मैंने इसका नाम बेरी रख दिया और मैंने शेप शिफ्ट कर लिया था सबसे बकवास मॉब पे। इसका नाम था एंटोनियम। इसका एबिलिटी है क्योंकि एक चींटी है तो इसको कोई भी मसल के जा सकते हैं, यानी इसके एक हार्ट थे। और इसका हंगर बार बहुत धीरे धीरे लो होता है, यानी खाने की जरूरत तो मुझे नहीं होने वाला कुछ टाइम तक। तो मैंने आसपास जितने भी मशरूम्स थे उन्हें कलेक्ट कर लिए, भर भर के पेड़ काट कर क्राफ्टिंग टेबल बनाकर वुडन टूल्स बना लिया। और क्योंकि आधा ओवरवर्ल्ड नेदर बन चुका था तो ब्लैक स्टोन को तोड़ तोड़ कर अपने टूल्स को स्टोन के बना लिए। अब ये सब करते करते रात हो चुका था तो मैं बेरी के ऊपर बैठा और निकल गया छानबीन करने के लिए। बड़ा अजीब सा लग रहा था मैं बैरी के पेट के अंदर घुसा हुआ हूँ। थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे एक पिलेजर आउटपोस्ट दिखा, वहाँ पे बहुत सारे पिलेजर भी थे, यहाँ से मुझे तगड़ा लूट मिल सकता था। फिर क्या भाग गया मैं वहाँ से? नहीं, क्या लगा था एक हाटे मेरे पास, वो पिलेजर बाद में मार देगा ना, तब भी मर जाऊंगा मैं। फिर मैंने सुबह होने का वेट करा, मैंने सोचा सुबह होता है किसी तगड़े से मॉब पे शेप शिफ्ट करूंगा, लेकिन मैंने शेप शिफ्ट करा इस लीच हाउंड पे। हाँ, मैंने बोला था इस बार बहुत ही अजीबोगरीब शेप शिफ्टर्स आने वाले हैं। इसका एबिलिटी था, अब क्योंकि एक लीच है तो ये दूसरों को मार मार कर उसका खून चूस कर अपना हेल्थ बढ़ा सकता है, ये फॉल डैमेज नहीं लेता। और इसके 5 हार्ट्स थे। फिर क्या धीरे धीरे चुपके चुपके मैं उन पिलेजरों के पास गया, फटके पे फटका मारता गया। अब मैं उनको मारूंगा तो वो खाली थोड़े ना बैठेंगे, उन्होंने भी मुझे 2-3 फटका मारा, बता रहा हूँ मैं, ये पिलेजर मुझे मार देते, वो तो बैरी ने मुझे जाकर के एंड में बचाया। बैरी नहीं होता ना मैं तो मरा ही मरा था यहाँ पर। बैरी के लिए #OPBarry हो जाए इन कमेंट सेक्शन, गाइस लिख दो OPBarry, लिख देना यार, बैरी को दिखाना, उसे भी तो पता चले उसने कितना खतरनाक काम किया है। लेकिन इनके हाथ पे वेपन का है नहीं है। उन्हें मत मारो। नहीं मारो? किसी ने तो बोला इन्हें मत मारो। अब क्योंकि इन पिलेजरों के हाथ तो वेपन भी नहीं था, ये लोग एबनॉर्मल हरकत कर रहे थे, लोग मुझे मार भी नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा छोड़ देते हैं इनको, जो कि आगे जाके मेरा सबसे बड़ा गलती बनने वाला है। फिर मैंने उस पिलेजर आउटपोस्ट को लूटा, वहां से मुझे आयरन, वीट, आलू और लकड़ी मिली। मैंने फटाफट उस आयरन से आयरन पिकेक्स बनाया और बैरी पर बैठ करके निकल गया आगे के सफर के लिए। मैं बैरी पर बैठ करके बहुत दूर दूर तक मैं विलेज ढूंढ रहा था, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर कोई विलेज है भी या नहीं। फिर मैंने कुछ शीप्स को मार करके उल से बेड बनाया, और आप लोग को पता है अगर हम लोग नेदर में बेड लगाते हैं तो बूम क्या होता है, लेकिन क्योंकि ये ओवरवर्ल्ड है और आधा ही नेदर का बना है तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये फूट गया ना तो 3-2-1 गया। ओ नहीं फटाइए, अरे देखो कैसा सो रहा है बेड पे ये। उसके बाद मैं पूरे रात बहुत मजे से सोया। अगले दिन में बना एक वॉर्प टोड। इसका एबिलिटी था ये फॉल डैमेज नहीं लेता, ये बहुत ऊंचे ऊंचे जंप लगा सकता था और इसके 15 हार्ट्स थे। फिर क्या वापस से बैरी के ऊपर बैठ करके निकल गया आगे के सफर में। मैं पंछी बनू उलचा फिलू मस्त गगन में, बैरी के ऊपर बैठ कर बहुत मजे करूं मैं। अरे 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 बैरी, अरे बैरी ज्यादा तारीफ कर, कहां लेकर के जा रही है ये कहां लेकर के आ गया मैं? एक सेकंड, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? बैरी मुझे अचानक खींच करके इस जगह पर लेकर के आ गया था और मुझे शायद पता चल गया है कि यहाँ पे अभी क्या होने वाला है। मुझे पता था ये टाइम आएगा लेकिन इतना जल्दी आएगा मैंने नहीं सोचा था। आई थिंक ये बैरी का फैमिली है जो कि खो गया था। मैं कोने पर खड़ा होकर बैरी को देख रहा था। बैरी बड़ा खुश, नहीं क्या 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 देख रहे, इतना इमोशनल मोमेंट को बिगाड़ रहा है। क्या मेरे मुंह पे कोई मक्खी चिपका हुआ है क्या? देख बैरी का ध्यान रखना, अगर बैरी का बाल भी बाका हुआ ना बता रहा हूँ पूंछ काट दूंगा मैं। नहीं मैं कहाँ रो रहा, वो तो मेरे आंखों पे थोड़ा सा वो मक्खी चला गया था ना। हाँ वो मक्खी है मेरे आंखों पे। फिर मैंने बैरी को बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। मुझे पता था अगर मैं बैरी को कुछ भी बोलूंगा तो अपने फैमिली को छोड़कर मेरे साथ आना चाहेगा। बैरी के लिए चैट में गुड बाय बैरी लिख दिया जाए।
बहुत याद आएगा उसका। उसके बाद मैंने अपना सफर अकेला चालू रखा। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे डेजर्ट पिरामिड दिखा, वो भी नजर का बन चुका था। उस डेजर्ट पिरामिड के सामने जाते ही मेरा तो लॉटरी लग गया। पूरा डेजर्ट पिरामिड पे डायमंड के ब्लॉक्स लगा करके रखे थे। मेरा तो एक्साइटमेंट आसमान फाड़ रहा था। मैंने एक सेकंड देरी नहीं किया, फटाफट डायमंड्स के ब्लॉक्स को निकाला और वो डायमंड के ब्लॉक्स नहीं थे। पट यहां से पट, पता नहीं क्या क्या करता रहता हूं मैं। डेजर्ट पिरामिड के अंदर भी मुझे कोई खास सामान नहीं मिला। तीनों चेस्ट में कचरे ही भरे पड़े थे। बस एक चेस्ट में तीन डायमंड्स थे, जिससे मैंने डायमंड का पिकेक्स बना लिया। वहीं बगल में एक रवीन भी था, तो ड्रीम बाबा को देखकर बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होकर के मैंने बेड वाला एमएलजी करने का ट्राई करा और 1 2 3 लेट्स गो। यस, उसके बाद मैंने भर भर के आयरन और कोल माइन करे। हाँ, यहाँ पर आयरन और कोल ऐसे ही दिखते हैं। उस ऑर्क डिजास्टर ने ऐसा का तैसा कर रखा है। पूरा ओवरवर्ल्ड का रोकना पड़ेगा बहुत ही जल्द उसे। मुझे माइनिंग करने के बाद बहुत लंबे टाइम तक अकेले अकेले चलते चलते आलू खा के चालू होते होते सूरज को उगते हुए देखते देखते फाइनली मुझे एक विलेज दिखा। उस विलेज में साग सब्जियों की जगह नेदर वॉट्स लगा रखे थे। चलो आगे जाकर के पोषण बनाने में काम आएगा। लुटो 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 रे भैया, पोषण बनाने में काम आयोगे। जल गया है, जल गया। फिर मुझे एक अजीब सा आवाज आया। मेरे ऊपर एक बॉस बना रखा था, वहाँ लिखा था विलेजर किंग। शायद इस विलेज का किंग था वो। लेकिन उससे भी अजीब चीज मुझे इन दो आयरन गोलम को देख करके लगा। बहुत टाइम से ये हॉगलिन और आयरन गोलम एक दूसरे को देख रहे थे, तो मैंने उनका मदद कर दिया। मैंने सोचा हॉगलिन को आजाद कर दे तो क्या पता हॉगलिन और आयरन गोलम दोस्त बन जाए। अच्छा सा, लेकिन अब मैं क्या बोलूं यहाँ पर। आयरन गोलम का मन था खाने का, खा लिया उसने। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो किसी ने कुछ नहीं देखा। उस आयरन गोलम से अपना जान बचाकर उस विलेज के सारे मैंने हेबेल को कलेक्ट करा और अपने लिए बहुत सारे ब्रेड बनाए और फाइनली उस विलेजर किंग से बात करा। ये पहले एक विलेज हुआ करता था, फिर रॉक डिजास्टर ने आके एक दिन सबको पिगलिन में बदल दिया। तुमने विलेजर्स को मारा है क्या? अगर ऐसा है तो वो वापस आएंगे, भागो। हाँ। अब क्योंकि ये रेड आया मेरी वजह से था, तो बचाना भी मुझे पड़ेगा। मैंने तो सोचा था यूं ऐसे चुटकी चुटकी बजाते ही सबको मार दूंगा, लेकिन ये कोई नॉर्मल रेड नहीं था। शुरू शुरू में तो इन चुन्नू मुन्नुओं को मैंने अपने कूदने के एबिलिटी से कूद कूद कर आराम से मार दिया। वो लोग मुझे एक एरो तक नहीं मार पा रहे थे, लेकिन असली खेल तो उसके बाद चालू हुआ। अब क्योंकि मेरे पास ना कोई आर्मर थे ना हथियार, तो फटाफट मैंने क्राफ्टिंग टेबल बिठा करके आयरन एक्स बनाने लगा। तभी पीछे से मेरे पे इन लोगों ने अटैक कर दिया। ये है आर्मर विंडिकेटर। मैं तो इसके आसपास भी नहीं जा पा रहा था। मैं अपने कूदने की एबिलिटी से जैसे ही कूद कर उसे मारने जाता, वो मुझे हवा में ही मार देता और देखते देखते उसने मेरा हेल्थ सर राख से खत्म कर दिया। ये तो भला हुई सायरन गोलम का, नहीं तो मैं तो इधर ही खत्म था। अब तो मेरे पास एक ही ऑप्शन था, हाँ भाग लेना। मैं फटाफट एक घर पे गया, सो गया और अगले दिन मैं बना काओ क्रीपर, जो कि बहुत ही ओपी शेप शिफ्टर। नाम से तो पता चली गया होगा। इसका एबिलिटी था दमदार थूक। इसके थूक में दम था और इसके 10 हार्ट्स थे। इस बार मैंने पिछला वाला गलती नहीं करा, सारे के सारे आयरन को पिघला कर आयरन इंगट बनाए, उससे मैंने आयरन के आर्मर बनाए और सारे रॉ मीट को पका लिया। इस बार मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड था उनसे लड़ने के लिए और इसके थूक के पावर से उनको भगा भगा के मारा। और एट लास्ट इस अजीब से गोलम को मैंने अपने आयरन के एक्स से 2-3 फटका मारा और अपने दमदार थूक से मार ही डाला। और इस आखिरी पिलेजर को मारते ही मुझे लगा रेट खत्म, लेकिन अभी कहां, ये तो मैंने नोटिस ही नहीं करा। यहाँ के तो विलेजर भी पिगलिन बन गए हैं। ये बेचारा बच्चा पिगलिन यशिन मना ही रहा था, तभी पूरा दुनिया हिलने लगा और ये मेरे सामने आ गया था रॉयल रेड ड्रैगन। यही है जिसको मार करके मुझे पहला सामान मिलेगा जिससे मैं अपना शेप शिफ्टिंग वाला छड़ी बना पाऊंगा। फिर क्या, मैं गया और उसे जोर का फटका मारा, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहाँ मेरा मरना 1000% तय था। मुझे किसी ने तो यहाँ पर बचाया है और वो रॉयल रेड ड्रैगन भी डर के भाग गया। फिर मैं वापस से गया उस विलेजर किंग से बात करने के लिए। उसने मुझे बताया, उसने हमारे विलेज को एक और बार बचा लिया। आओ, अगर तुम्हें नेदर में जाना है तो उसके लिए एक ही पोर्टल है और वो पहले से ही यहाँ पे मौजूद है। लेकिन एक दिक्कत है, मेरे को वो पता नहीं है कि वो कहाँ पे है। हाँ, और अगर तुमने उसे ढूंढ लिया तो तुम नेदर में जरूर जा पाओगे। हाँ, आखिरी वाली बात शायद तुम्हें पहले से ही पता थी। अब मुझे ये तो पता चल गया था इस वर्ल्ड में एक ही नेदर पोर्टल है जिससे मैं नेदर जा सकता हूँ। और अगर मुझे ऑर्क डिजास्टर को रोकना है तो नेदर तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन किसी को नहीं पता कि वो नेदर पोर्टल कहाँ पर है। तो वो रॉयल रेड ड्रैगन जिस डायरेक्शन में गया था, मैं भी निकल गया उसी डायरेक्शन में। क्या पता मुझे वो पोर्टल मिल जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा क्लोज है। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाक से चैनल को
सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक कर देना, मैं खुश हो जाऊंगा। आप लोगों के इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। घंटों तक चलने के बाद फाइनली मुझे पहली बार हरियाली दिखा और मैंने डिसाइड करा माइनिंग करने का। थोड़ा ही दूर जाने के बाद फाइनली मुझे मेरा पहला डायमंड दिखा। वहां से मुझे 8 फ्रीकिंग डायमंड्स मिले, जिससे मैंने डायमंड का हेलमेट और डायमंड का एक्स बनाया। मैंने अपना माइनिंग कंटिन्यू रखा और मैंने बहुत सारा आयरन, कोल और गोल्ड माइन करा। आखिरकार मुझे वो पोर्टल मिल गया। मैं धीरे धीरे वहां पर गया। मैं क्या देखता हूँ, वही रॉयल रेड ड्रैगन उस पोर्टल से अंदर जा रहा था। मैं धीरे धीरे उस पोर्टल के सामने गया, थोड़ा सावधान रहना, और मुझे वापस से वही आवाज सुनाई दिया। शायद इसी ने मुझे रॉयल रेड ड्रैगन से बचाया था। तो मैंने उसका बात मानकर मैं धीरे धीरे घबराते घबराते उस पोर्टल के अंदर चला गया। और नेदर पे आते ही मैंने शेप शिफ्ट करा वार्प्ड स्केलेटन पे। इसका एबिलिटी था यह अनलिमिटेड एरो मार सकता था और इसके 10 हार्ट्स थे। वहां से थोड़ा ही आगे जाने के बाद मुझे 2 अजीब से मॉब दिखे। मैंने बिल्कुल देरी नहीं करा, मैंने अपना एबिलिटी के यूज करा और उन्हें मारना चालू कर दिया। ये 1, ये 2, ये 3 है। कैसा लगा? पंगा नहीं लेते, इसे शायद पता नहीं है कि मैं शेप शिफ्ट हो गया। दूसरा वाला मरेगा। तू मर, ये नीचे तो नहीं गिर गया? अरे कौन बोला? अरे क्या ना, मैं पीछे ही मरता हूं। तू मर। वहां से थोड़ा ही आगे जाने का मेरे को 2 झटके मिले। पहला मेरे सर के ऊपर आ चुका था एक बॉस बार और मेरे सामने एक बहुत बड़ा नेदर सिटी आ चुका था। दूर से मैंने देखा एक विलेजर को 2 मॉब मारने की ट्राई कर रहे थे। मैंने 1 सेकंड देरी नहीं करा, फटाफट मैंने सोल सैंड से ब्रिजिंग करके नेदर सिटी में गया। वो बड़ा अजीब सा मॉब था, बड़ा अबनॉर्मल हरकत कर रहा था। वो अपने मुंह से आग का गोला फेंक रहा था। मैंने उसके आग के गोले को डॉच करा और अपने एबिलिटी के यूज करके 3 एरो और एक डायमंड का एक्स का फटका काफी था उसे मारने के लिए। उसके बाद मैंने पूरे नेदर सिटी का चप्पा चप्पा छान मारा। बोलना पड़ेगा, जिसने भी बनाया है ना, बड़ा खतरनाक बनाया है। वहां पर एन्चेंटिंग रूम से लेकर के लाइब्रेरी से लेकर के हर एक चीज था। वहीं ऐसे ही घूमते घूमते मुझे बहुत बड़ा सा हॉलवे मिला। वहां से मुझे गुर्राने का आवाज आ रहा था। मैं धीरे धीरे घबराते घबराते ऊपर गया। दरवाजा खोलते ही मेरे ऊपर एक मॉब ने अटैक कर दिया। मैंने जैसे तैसे करके उस मॉब को मारा और मेरे आंखों के सामने रॉयल रेड ड्रैगन सो रहा था। ये रॉयल रेड ड्रैगन का घर था। मैं अंदर गया, भगवान जाने क्यों तो मैंने उसे एक फटका मारा। फटका मारते ही मैं बाहर आकर के फटाक से दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपना फायर ब्रेथ वाला अटैक कर दिया। अगर दरवाजा बंद नहीं करता ना, मैं तो मरा ही मरा था। अब मैं इस वॉर्प स्केलेटन से तो कोई उम्मीद रख सकता था नहीं। रॉयल रेड ड्रैगन ने एक ही अटैक मेरा क्या हालत कर दिया था, आप लोगों ने तो देखा ही था। अब मैं एक ही चीज कर सकता था, इंतजार अगला कोई शेप शिफ्टर का, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो। और होता भी कुछ ऐसा ही है। घंटों तक वेट करने के बाद आखिरकार मैं एक तगड़ा शेप शिफ्टर में बदलता हूँ। इसका नाम है लावा गोलेम। सबसे पहला ये फायर रेजिस्टेंस है, यानी रॉयल रेड ड्रैगन का फायर अटैक मेरे पे काम ही नहीं करेगा। दूसरा, क्योंकि इसका बॉडी पूरा लावा का है तो ये डबल डैमेज करता है। तीसरा, इसके 15 हार्ट्स थे तो रॉयल रेड ड्रैगन मेरे से नहीं बच पाएगा। मैं धीरे धीरे गया और जोर का 2 फटका मारा। 2 फटका मार के फटाक से पीछे की तरफ में भागा। उसने बहुत जोर का गुर्राया, जिसको सुन करके मेरा हालत खराब हो गया था। अब क्योंकि वो रूम बहुत ज्यादा छोटा था, तो उस रॉयल रेड ड्रैगन को मैं 1 फटका मारता तो फटाक से भाग के पीछे आ जाता था। 1 और फटका मारता था और फटाक से भाग के पीछे आ जाता था। मैंने उसके साथ गोल गोल रानी कितना कितना पानी भी खेला। उसने बहुत जोर का गुर्राया और अपना लेजेंडरी फायर अटैक मेरे पे यूज करा। क्योंकि मैं एक लावा गोलेम बन रखा था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही गोल गोल रानी कितना कितना पानी करते करते फटके पे फटके मारते मारते मैं उसे मार नहीं पा रहा था। लेकिन उस रॉयल रेड ड्रैगन ने मुझे बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ डिजास्टर को मारने में। अब उसने बोला तो था वो मेरा मदद करेगा, लेकिन बोलते बोलते वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए, तो मुझे भी नहीं पता चला। चलो कोई बात नहीं, ये तो आगे जाकर ही पता चलेगा कि उसने ऐसा क्या किया जो कि आगे जाकर के मेरा हेल्प करेगा बहुत ज्यादा। मुझे एटलीस्ट ये पावर कोर तो मिल गया था, जिससे मैं अपना शेप शिफ्टिंग वाला छड़ी बना सकता था। पावर कोर को लेकर मैं बाहर निकला ही था कि मेरे सामने ये आ गया। तो तुमने रॉयल रेड ड्रैगन को हराया है, अब तो तुम मारे जाओगे। मैं इसके बारे में ऑर्क डिजास्टर को बता दूंगा। नहीं, क्या क्या मतलब, मैं नहीं बचता डिजास्टर से, डरता हूँ मैं। नहीं, क्या लगता आप लोग को, डरता हूँ मैं? ऐसे चुटकी बचता भी नहीं है, चुटकी से चुटकी में ऑर्क डिजास्टर को मार दूंगा मैं। उसके बाद मैं नेदर सिटी के लाइब्रेरी के अंदर गया। वहां के चेस्ट से मुझे भर भर के लूट मिला। मुझे 6 डायमंड्स, 2 गोल्डन एप्पल और एक प्रोटेक्शन 4 का एन्चेंटिंग बुक मिला। कुछ गोल्डन कैरेट्स मिले और मैंने पूरे लाइब्रेरी के बुक्स को खाली कर दिया। आगे जाकर एन्चेंटिंग रूम बनाने में काम आएगा ये। और चलते चलते मैंने वापस से शेप शिफ्ट करा फ्लाइंग पिग में। इसका एबिलिटी था ये उड़ सकता है, ये फॉल डैमेज नहीं लेगा और इसके 3 हार्ट्स थे। फिर क्या, इस फ्लाइंग पिग के मदद से मैं पागलों की तरह पूरा नेदर में भटका और भटकते भटकते मुझे बहुत जोरदार आवाज है। उस आवाज का पीछा करते करते मैं यहाँ आ गया। पर वापस से एक बॉस बार आ चुका था। इसका नाम था रेड स्टोन मॉन्स्टर।
है एक बहुत खतरनाक सा बॉस है ये, बहुत खतरनाक है, हालत खराब कर देता है ये। फिलहाल तो ये मेरा बस का बाहर था तो मैंने वही करा जो हमेशा करता हूँ, भाग गया मैं वहाँ से। और अब टाइम आ चुका था खतरनाक सा बेस बनाने का। ये जगह मुझे घर बनाने के लिए एकदम बेस्ट लगा, तो चालू करे। वही बगल में बहुत सारे ग्लोस्टोन पड़े हुए थे, तो उन्हीं ग्लोस्टोन को मैंने अपने घर पर डेकोरेशन की तरह यूज करा। और ओवरवर्ल्ड में जाकर सैंड से ग्लास बनाकर मैंने इसका इंटीरियर बनाया। और बचे हुए ग्लोस्टोन और ट्रैप डोर के मदद से मैंने इसका इंटीरियर और छत को एक मॉडर्न लुक देने का ट्राई करा। और फाइनली एट लास्ट ग्लोस्टोन की ही मदद से मैंने अपने लिए अंदर और बाहर आने के लिए एक सीक्रेट रास्ता बनाया। इतना बुरा भी नहीं लग रहा है ये। तो आप ही लोग बताओ कैसा लग रहा है, 10 में से आप लोग इसको कितना रेटिंग दोगे? दे दो अभी कभी नीचे कमेंट सेक्शन पर दे देना, पढ़ता हूँ सभी का कमेंट्स में। उसके बाद मैंने सारे व्हीट का ब्रेड बना दिया। उसके बाद मुझे एक अजीब सा सपना आया। उस सपने में ओवरवर्ल्ड में बहुत दूर एक अजीब सा मॉब बहुत ज्यादा तबाही मचा रहा होता है। उनकी मदद करो, और वही आवाज वापस से मदद के लिए आवाज दे रहा होता है। मैंने एक सेकंड देरी नहीं करा, फटाफट निकल गया ओवरवर्ल्ड में उस मॉन्स्टर को ढूंढने के लिए। और घंटों तक भटकने के बाद फाइनली मैंने अपने सपने में जैसा देखा था मैं वैसा ही एक जगह पर आ गया था। मेरे सर के ऊपर एक बॉस बार भी आ रखा था। वहाँ के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठने के बाद आखिरकार मुझे वो आंख वाला बॉस दिख ही जाता है। उसे तो देख कर ही मेरा हालत खराब हो गया था। फ्लाइंग पिक बनकर तो मैं उससे नहीं लड़ने वाला था। और देखते ही देखते मैंने वापस से शेप शिफ्ट करा, और इस बार मैं बदल चुका था सोल बीस्ट पे, जो कि अभी तक का बेस्ट शेप शिफ्टर है। इसके एबिलिटी था ये बहुत तेज भाग सकता है, ये आसमान से बिजली गिरा सकता है, इसको फायर डैमेज भी नहीं होगा, और इसके पास 15 हार्ट्स थे। अब आएगा ना इससे लड़ने का असली मजा। गया तो मैं बहुत ज्यादा जोश में था उसे मारने के लिए, लेकिन अरे ये लोग कौन आ गया जीप निकाल निकाल कर? ये पिलेजर यहाँ पर क्या कर रहे हैं यार? मार ही देता पिछले बार उन पिलेजरों को, तभी अच्छा होता। भागो 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 या पिलेजर, गिरा बिजली, खाओ ब्रेड खाओ ब्रेड करके हेल्थ बढ़ाओ। सबसे पहले तो मैंने इस अजीब से लंबे जीव वाले को बिजली गिरा गिरा कर मारा। उसके बाद ये 5-6 आंख वाले के ऊपर एक बिजली और एक मेरे एक्स का फटका काफी था मारने के लिए। यार इन चुन्नू मुन्नू से लड़ते लड़ते 3-4 दिन निकल गया था। फाइनली टाइम आ चुका था मेरे और इस बॉस का 1-on-1 fight। मैं उस आंख के सामने गया, उसके ऊपर एक बिजली गिरा, एक जोर का फटका मारा, लेकिन वो भी कहां कम था, उसने मुझे एक जोर का फटका मारकर दूर गिरा दिया। और एक ही झटके में सर्राक से मेरा हेल्थ आधा कर दिया। मैंने गोल्डन एप्पल खाया, उसके सामने उसको अपने एक्स से 2-3 फटका मारा, उसके ऊपर 2-3 बिजली भी गिराया, लेकिन इस बार उसने मुझे विदर इफेक्ट देकर के बहुत दूर फेंक दिया। मैं बार-बार गोल्डन एप्पल खाए जा रहा था, उसके ऊपर बिजली गिराया जा रहा था, और मुझे बार-बार दूर पटक-पटक के फेंक रहा था। बड़ा खतरनाक आंख मारता है ये, मतलब ये जो बहुत सही आंख, ये बड़ा खतरनाक मारता है। मैं उसके ऊपर बिजली गिरा ही रहा था, बिजली गिराते गिराते मैंने वापस से शेप शिफ्ट करा, और इस बार मैं बन चुका था प्लेज। इसका एबिलिटी था अपने मुंह से छोटे छोटे फायर बॉल फेंक सकता है, ये उड़ सकता है। फिर मैंने इसका एबिलिटी यूज करा, छोटे छोटे फायर बॉल से को मारना चालू कर रहा है। मैं उसके आसपास गोल 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 घूम रहा था, मैं पूरे फॉरेस्ट में घूम रहा था, घूम घूम कर उसे मार रहा था, वो तो मुझे छू भी नहीं पा रहा था। और एट लास्ट 2-3 फटका और 2-3 आग का गोला मारने के बाद फाइनली मैंने उसे हरा ही दिया। अभी तक का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉस था ये। मैंने गोल्डन एप्पल खाया और आखिरकार मुझे दूसरा पीस भी मिल गया था, इनकम्प्लीट शेप शिफ्टिंग स्टाफ, जिससे मैं शेप शिफ्टिंग वाला शरीर बना सकता था। उसके बाद मैं घर जाने ही वाला था कि मुझे एक अजीब सा आवाज आया। मैं सामने देखने के लिए गया और मैं क्या देखता हूं, पीले जारी ऐसे पप्पी को मारने का ट्राई कर रहा था। मैंने एक सेकंड देने नहीं करा, फटाक से उस प्लेजर को मारा और इस पप्पी को बचा लिया। चलो आज से ये पप्पी को मैं अडॉप्ट करता हूं, ये मेरा हो गया। अभी गाइस आप लोगों का काम स्टार्ट होता है, अभी कभी इस पप्पी का एक प्यारा सा अच्छा सा नाम नीचे कमेंट कर दो। अगली वीडियो मुझे जो बेस्ट लगेगा ना वो नाम मैं इसे दे दूंगा। अब इसी पप्पी की वजह से मुझे उसके बगल में एक अजीब सा पोर्टल दिखा। अब कोई अजीबोगरीब चीज दिखे और मैं ना, जब ऐसा हो सकता है, मैं धीरे धीरे उस पोर्टल के अंदर चला गया। और जाकर के मैं क्या देखता हूं, मैं एक अजीब सा ही डायमेंशन में चला गया और मेरे ऊपर एक बॉस बार आ चुका था। उसका नाम था आर्क डिजास्टर। जी हाँ, मैं ऑर्क डिजास्टर के घर पे आ चुका था। अगर ऑर्क डिजास्टर ने यहाँ पर मुझे देख लिया होता ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ मेरा हड्डी भी किसी को ढूंढ करके नहीं मिलता। मैंने बहुत हिम्मत करके धीरे धीरे आगे गया और मेरे सामने आ चुका था ऑर्क डिजास्टर। बड़ा खतरनाक, ये क्या फेंक करके मार रहे, काला काला थूक। उसका ये अटैक देख करके मेरा हालत टाइट हो गया। फिर क्या, मैंने एक सेकंड देरी नहीं किया और मैंने अपना फेवरेट काम किया। हाँ, मैं भाग गया वहां से। पानी में आ गया गलती से मैं, बता रहा हूँ। जब मेरे पास
पास मेरा पूरा शेप शिफ्टिंग वाला छरी आ जाएगा ना, तब देखना कैसे भगा भगा के मारूंगा। हाँ मारूंगा भगा भगा के मारूंगा मैं। उसके बाद मैं घर आया, घर आने का मुझे अजीब से आवाज आने लगा। मैं समझ गया ये पान बिलास है, जिसका आवाज मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है। फिर क्या, मैं बाहर गया और उस पान यार ब्लास्टलिंग का बात कर रहा हूँ, ब्लास्टलिंग को कूदा कूदा के मारा और निकल गया नेदर बेस्टियन को ढूंढने के लिए। क्या पता वहां से कोई तगड़ा लूट मिल जाए मुझे। जाते जाते रास्ते में मैंने वापस से शेप शिफ्ट करा और इस बार मैं बन चुका था नागा। इसका एबिलिटी था अपने मुंह से विदर बॉल फेंक सकता था, ये फायर डैमेज नहीं लेता और इसके 5 हार्ट्स थे। फाइनली घंटों तक भटकने के बाद मुझे एक बेस्टियन मिला, लेकिन बेस्टियन मिलते इस पिगली ने मेरे पे पता नहीं क्यों अटैक कर दिया। हाँ अटैक करे भी क्यों ना, दिखता भी तो बड़ा भयंकर है, कोई भी देख करके डर जाएगा। फिर क्या, उसके ऊपर मैंने काला उल्टी मारा और निकल गया बेस्टियन को लूटने के लिए। वहां के चेस्ट से मुझे कोई खास लूट नहीं मिला, कुछ गोल्डन कैरेट, कुछ आयरन इंगट और सोल स्पीड का एन्चेंटिंग बुक मिला, लेकिन दूसरे चेस्ट से मुझे 2 एन्चेंटिंग गोल्डन एप्पल और एक डायमंड का चेस्ट प्लेट मिला, जिसको लगाकर मैं निकल गया रेडस्टोन मॉन्स्टर सिटी को हराने के लिए। तो गाइस अब टाइम आ चुका है इस रेडस्टोन मॉन्स्टर, इसको मारकर अपना शेप शिफ्टिंग वाला छरी बनाने का। मैंने इसका एबिलिटी यूज करके सबसे पहले इन छोटे मोटे चुन्नू मुन्नुओं को मारा और डर डर के धीरे से मैंने उसे एक फटका मारा। फटका मारते उसने मुझे एक फटका मारा और मैं बहुत ऊपर उड़ गया। मुझे लगा रहा वीडियो यहीं खत्म, मेरा डी एंड, लेकिन नीचे गिरते गिरते मैंने शेप शिफ्ट करा रेड स्टोन गोलेम में, जो कि दिखने में तो बिल्कुल इसका छोटा भाई लग रहा था। इसका एबिलिटी था इसके पास 2.5 किलो के हाथ थे, यानी ये डबल ट्रिपल डैमेज करता है नॉर्मली। इसके पास एक्स्ट्रा रीच था और घंटा का पता नहीं इसके पास कितने सारे हार्ट से, गिन लो आप ही लोग, मुझे नहीं पता कितने हार्ट से इसके पास। भागो 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 मार दिया भाभी भाभी, पटक पटक के मार रहा है ये तो। इसे हराना इतना ज्यादा आसान नहीं था, भले ही मैं डबल डैमेज कर पा रहा था, मैं उसे एक फटका मारता था वो मुझे दुगना फटका मारता था, मार मार मुझे हवे में उड़ा देता था। लेकिन अभी कहां रुको, इतना ओवर पावर कम था कि उसने छोटे छोटे रेडस्टोन ब्लॉक समन कर दिए। वाह, वो छोटे छोटे रेडस्टोन समन करने के पहले मैं उसे फटका मारना चाहता था, मैंने उसे फटका मारते उसने मुझे हवे में उड़ा दिया और लावा में गिरते गिरते बचा मैं। और उसके छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू जरा सा भी कसर नहीं छोड़ा मुझे ढकेल ढकेल के लावा में गिराने पे, वो तो जैसे तैसे जान बचा कर भागा मैं वहां से। एक तो इन चुन्नू मुन्नू ने नाक पे दम कर रखा था, ये हवे पूरा उड़ा के अलग मार रहा था और अभी ये ब्लास्ट वाला अटैक भी करने लगा। वाह नहीं नहीं, क्योंकि मेरे पास भगवान जाने कितने सारे हार्ट से, उसका एडवांटेज लेकर तो मैंने एक एक करके सारे के सारे चुन्नू मुन्नू को मारा और उसे मैंने मारने का ट्राई करा, लेकिन फिर वो कहां फेंक दिया हमको। बर्सरकर एक्टिवेट करना होगे, ढूस। ओ ये अच्छा जगह, इधर से कुछ नहीं करेगा। लावा, मैं चुन्नू मुन्नू को मारे जा रहा था, अपना गोल्डन कैरेट खाए जा रहा था और वो मुझे हवे में उछाले जा रहा था। और ऐसा करते करते आखिरकार मैंने उसे मार ही डाला। बता रहा हूँ रेडस्टोन गोलेम अगर मेरे पास नहीं रहता ना, इसका भगवान जाने कितने सारे हार्ट्स नहीं रहते ना, मैं लिख करके देता हूँ मैं इसे नहीं हरा पाता। मैंने एक सेकंड देरी नहीं करा, फटाक से मैंने वो शेप शिफ्टिंग वाला छरी बनाया। अब तो वो ऑक डिजास्टर में इसे नहीं बच। मैं शेप शिफ्टिंग वाला छरी बना रहा था, किसने मारा मुझे पीछे से। एक सेकंड, तुम कौन हो? ऐसा ही अजीबोगरीब वीडियोस और देखना है तो ऊपर दिए गए वीडियो को दबाए। टिंग टिंग।